हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। ये पूरा सितंबर का करंट अफेयर्स है, वन लाइनर है। और ये जो एग्ज़ाम्स है, RO, UPSC हो गया, SSC हो गया, CDS हो गया, और हर अदर एग्ज़ाम्स यानी कि UPSC के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा के पूरा जो है आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, वन लाइनर, और सितंबर का करंट अफेयर्स है। तो ये पूरा पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, जितने भी सारे मैं करंट अफेयर्स के लाती हूँ उनसे पक्का एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको पूरा पढ़ के जाना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री को भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान पुरस्कार दादा साहेब फाल्के वर्ष 2021 का पुरस्कार मिला। ऑप्शन है आशा पारेख, वहीदा रहमान, जया प्रदा और शर्मिला टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वहीदा रहमान जी को जो है वो मिला था बाबा सर्वोच्च जो फिल्म सम्मान पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के, वो उनको मिला था। ऑप्शन है इसका करेक्ट बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड है, हाल ही में बेबिंका से GI टैग प्राप्त हुआ, यानी कि बेबिंका एक डिश है जिसको इट्स प्रोनाउंस एज BEBINCA, बेबिंका एक डिश है। तो इसको GI टैग कहाँ से मिला है, मतलब बेबिंका किस जगह के डिश है जिसको GI टैग रिसेंटली मिला है। ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, सिक्किम, केरला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा की डिश है ये, इसको जो है GI टैग दिया गया है बेबिंका को। नेक्स्ट है, असम स्थित सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता था। तो ऑप्शन देखो, डॉक्टर अभय सप्रू, डॉक्टर आर रविकन्नन, डॉक्टर वी गणेश जोशी और डॉक्टर ज्योति शंकर गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर आर रविकन्नन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये असम स्थित जो है ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो कैंसर का इलाज करते हैं। तो ये याद रखना, ऑन्को जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कैंसर को, तो ये याद रखना जो है उनका इलाज करते हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो अवार्ड है 2023 वो मिला था डॉक्टर आर रविकन्नन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक क्या है। ऑप्शन है 25वां, 40वां, 81वां और 132वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 40वां जो है वो जो है इसका रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GI इंडेक्स का जो 2023 भारत की जो रैंक है वो है ऑप्शन बी, 40th जो है इसका वो रैंक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मोटो GP संस्करण के विजेता कौन हैं। ऑप्शन देखो, जॉर्ज मार्टिन, मार्को बेजेसी, वेलेंटिनो रॉसी और एंड्रियो डो विजियोसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्को बेजेसी जो है भारत के पहले मोटो जो GP संस्करण है उनके विनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर खोला गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला आ गया और वो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, तो कहाँ खोला गया। ऑप्शन है भोपाल में, बेंगलुरु में, लखनऊ में और हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में खोला गया। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, हैदराबाद के अंदर खोला गया है भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक हासिल किया। ऑप्शन देखो, पलक गुलिया, अनामिका लुथरा, ईशा सिंह और विनीता नारंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, पलक गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट पहल के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। वॉर अगेंस्ट वेस्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए वॉर अगेंस्ट वेस्ट पहल चालू करी, किस राजदूत का नाम शामिल किया गया। कप्तान मान सिंह, श्री चरणदीप सिंह, श्रीशा फैजल और मेजर गगनदीप सिंगला। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, कप्तान बान सिंह। करेक्ट आंसर है कप्तान बान सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, अब्दुल्ला यामीन, इब्राहिम मोहम्मद सोलिया, डॉक्टर मोहम्मद नसीम। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी इंडिया मालदीव का काफ़ी कुछ चल रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परागणों के विश्लेषण से यह समझने में मदद मिली है कि पहले मनुष्य अफ्रीका से कैसे पार चले गए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप और एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की महिला उस रोगजनक से जीवित रहने वाली दुनिया की पहली प्रलेखित व्यक्ति बन गई है जो आमतौर पर भेड़ और मवेशियों में घातक ब्लैक लेग बीमारी का कारण बनता है। तो ऑप्शन देखो, ऑस्ट्रेलिया, किस देश की महिला पूछा है, तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, भारत, US और मेक्सिको। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां हैचटन द्वितीय जल विद्युत परियोजना भारत में स्थित है, कहां पर स्थित है हैचटन द्वितीय जल विद्युत। सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सिक्किम में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकतम
कितने डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जा सकते हैं? 2, 3, 4 और 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 4 जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 20वें संस्करण में शीर्ष 250 स्थानों में शामिल होकर देश में शीर्ष प्रदान करने वाला उच्च शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, IISc यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन देखो, वो भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। उन्होंने भारत में हरित क्रांति की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। वह भारत के एक अग्रणी राजनीतिज्ञ थे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, उन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में देश का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड इशू समाप्त किया लेकिन जारीकर्ता के लिए उच्च लागत के कारण जितना हो सकता था उससे कम उठाया गया? नबार्ड ने, सिडबी ने, सेबी में या फिर RBI ने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली अपनी पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन शुरू करी है? जापान में, मलेशिया ने, चीन ने या फिर US ने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना ने जो है वो शुरू करा है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अपतटीय पवन परियोजना किस तट पर आने वाली है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। TN ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने घोषणा की कि शुक्र मिशन, जिसे अक्सर अनौपचारिक रूप से कहा जाता है, प्रगति कर रहा है, क्या शुक्रयान 1, शुक्र, शुक्रयान 3, शुक्र चतुर्थ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्रयान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2 विश्व प्रसिद्ध संस्थानीय विशेष उत्पाद भदवा राजमा और रामबन सुलाई शहद ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत मिला है, यानी कि GI की बात करें, GI टैग हासिल कर लिया है? किस ऐसे 2 विश्व प्रसिद्ध स्थानीय हैं यहाँ पर, ये जहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर उन्होंने GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है 2 टैग्स जो मिले हैं GI। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगे पेलोड का नाम, जिसने दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से जुड़े चंद्र प्लाज्मा वातावरण का पहला इन सीटू माप पूरा कर लिया है, प्लाज्मा LP, आयुष LP, रंभा LP या कार्तिक LP? तो उसका हमें नाम बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रंभा LP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में, काकरापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र ग्रह का नाम प्राचीन मिस्र के पुराने पक्षी के नाम पर रखा गया है और जिसके पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणी नासा ने की है, वह क्या है? शूद्र ग्रह बेनु, शूद्र ग्रह केनु, शूद्र ग्रह नीनु, शूद्र ग्रह लुलु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शूद्र ग्रह बेनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इन्हीं की सदस्यता में एक कमेटी बनाई गई थी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और उसमें यह है कि एक चुनाव संभालना है, मतलब हम 1 इलेक्शन करना चाह रहे हैं, जिससे क्या होता है पूरे इंटायर कंट्री में 1 इलेक्शन। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 इलेक्शन 1 नेशन का जो है उसके बारे में ये रिसर्च करें, जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, जस्ट बिकॉज कि जो इलेक्शन में होने वाला खर्चा है टाइम वो बच सके, इसलिए हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हम उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने एयर इंडिया के साथ किसके विलय को मंजूरी दी और साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस को पूर्ववर्ती राष्ट्र वाहक में 25.1% की हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी है? गो एयर, विस्तार, इंडिगो और जेट एयरवेज। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विस्तारा को जो है उसको एयर इंडिया के साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जीवन, दिवाकर 4, आदित्य L1 और भानु 89।
ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक साइंस टेक से रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरापुट कलाजीरा चावल पोषण मूल्य के साथ एक सुगंधित चावल किस्म है जिसे GI टैग मिला है, और ये कहाँ की है कोरापुट, ये हमें देखनी है झारखंड के, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उड़ीसा की है ये कोरापुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। समझौता ज्ञापन यानी कि जो भारत यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IOCACI और WTC के बीच हस्ताक्षरित है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार और व्यापार को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना, एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना करना, भारत और यूक्रेन के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार और व्यापार को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना। ये भारतीय यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और WTC के बीच में जो हुआ थी वार्तालाप थी उसके रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दकांती मुंडी बैंगन जिसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है उसे GI टैग मिला है। GI टैग काफ़ी को मिला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। ऑप्शन हैं हमारे पास झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा को मिला है। पहला वाला भी उड़ीसा को मिला था, इसको भी उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की पहली विशिष्ट विस्फोटक नौसेना ड्रोन यूनिट कहाँ बनाई गई है, यूक्रेन में, रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ का दौरा किया था, मलेशिया का, चाइना का, इंडोनेशिया का और जापान का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थर्मन शंगमुरत्नम ने भारी जीत हासिल कर राष्ट्रपति चुने गए, कहाँ के ये थर्मन, श्रीलंका के, मालदीव के, सिंगापुर के, सेशेल्स के। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित देशों ने नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता समाचार पत्र संपादक दिमित्री मुराटोव को विदेशी एजेंट घोषित किया, किसने किया है विदेशी एजेंट, यूक्रेन ने, रूस ने, बेलारूस ने, स्वीडन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूस ने जो है वो उनको हासिल मतलब लाइक यू नो एजेंट घोषित किया, दैट इज ये रशिया ने काम किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में डूरंड कप फुटबॉल का खिताब जीता, मोहन बागान, पूर्वी बंगाल, चर्चिल बॉथर्स और रेलवे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहन बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में विश्व इनोवेशन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर रबेस अप्रूव, डॉक्टर तान्या मल्होत्रा, डॉक्टर सुदीप मुखर्जी, डॉक्टर शांता थोथम। जो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर शांता थोथम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC कार्यक्रम के हिस्से में रूप में NPCI की UPI सिस्टम को अपने डिजिटल रुपए यानी कि ई रुपए के साथ इंटर ऑपरेबल बनाया है, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, किनारा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चोकवा चावल खेती के लिए जाना जाता है और हाल ही में इस चावल की किस्म के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि फिर से GI टैग सम्मानित किया गया है। तो वो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल, राजस्थान, असम और पंजाब। इसका जो करेक्ट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि असम जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मॉरिशस डी सेंट के विशाल नवापाषाण स्थल पर एक बस्ती का पता चला था, गोंड पहले चकमक पत्थर की खोज के 150 साल बाद इसे सामाजिक संगठन में दुर्लभ अंतर्दृष्टि दे रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश सुरक्षा और परियोजना के संभावित पर्यावरणीय
प्रभाव के संबंध में कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह कर रहा है कि अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाए या नहीं। बेसिकली एक जनमत संग्रह हो रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना है कि नहीं बनाना। कौन से देश में? मध्य एशियाई देश, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया? एक्सिस भुगतान सेवा, हिताची भुगतान सेवा, अद्वितीय भुगतान सेवा, एक भुगतान सेवा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिताची भुगतान सेवा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया? नीमच में, खंडवा में, सांची में या फिर हरदा में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सांची के अंदर उन्होंने जो है वो उसका पहले सोलर सिटी का वो उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया? ऑप्शन सी, सांची में। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है बेंगलुरु में, चेन्नई में, दिल्ली में और हैदराबाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के सहयोग से जापान द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए, चंद्रमा की सतह और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन करना, हमारे सौरमंडल के भीतर वस्तुओं की गति और संरचना को मापने के लिए, पृथ्वी की वायुमंडल पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों की जांच करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 का विषय क्या है? बदलती दुनिया के लिए साक्षरता को सशक्त बनाना, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण, वैश्विक साक्षरता दिवस, अंतर पाठना और बेहतर कल के लिए शिक्षित करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना IAF और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर मेजबानी की है। किसकी? भारत ड्रोन पावर 2023 और हिंदुस्तान ड्रोन पावर 2023। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत ड्रोन शक्ति 2023। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर का नाम बताइए जिसकी परिषद लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण प्रभावी रूप से दिवालिया हो गई है? कार्डिफ, बर्मिंगम, ग्लूसेस्टर और कैम्ब्रिज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बर्मिंगम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारतीय दूतावास खोलने के निर्णय की घोषणा करी है, पनामा में, तिमोर लेस्ते, माली और फिजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देशों का G20 समूह को 27 सदस्यता देने पर सहमत हुआ है, कौन सहमत हुआ? यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलियाई संघ, अफ्रीकी संघ और सार्क देश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक SBI द्वारा शुरू किए गए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को शक्ति प्रदान करती है? मास्टर कार्ड तकनीकी, वीजा प्रौद्योगिकी, रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस प्रौद्योगिकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन चालू करने की योजना बना रही है, कहाँ पर बना रही है? लद्दाख में, सिक्किम में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लद्दाख के अंदर जो है वो बना रही है। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के लक्ष्य के साथ चंद्र लैंडर लॉन्च किया है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया था, भारतीय जर्मन, भारतीय ब्रिटिश, भारतीय फ्रेंच और भारतीय और अमेरिकी के बीच में। जो है इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, भारतीय और फ्रांस। नेक्स्ट है, पेश करने वाला भारतीय राज्य क्रेच नीति है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट है, उस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जो समताप मंडल से पहली बार छलांग लगाने की तैयारी के लिए तैयार किए गए 3 स्काई डाइवरों में एक है? दीक्षा राणावत, अलंकृता जैन, स्वाति वार्ष्णव्य और अलका टंडन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वाति वार्ष्णव्य। नेक्स्ट है, इस अध्ययन में देखे गए सुपर मेसिव ब्लैक होल के व्यवहार को सामान्य ब्लैक होल से क्या अलग किया गया है? यह आकार में काफ़ी छोटा है, यह एक बड़े गुट में तारों को खो जाता है, यह निकट से गुजरते समय तारों को काट लेता है, यह अपने आहार के दौरान
दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये निकट से गुजरते समय तारों को काट लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में कोको गॉफ ने किसे हराकर अपनी पहली बड़ी चैंपियनशिप जीती थी? जैना ऑस्टापेंको, आर्यना सबलंका, नाओमी ओसाका और ईगा स्वेटेक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्यना सबलंका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करने के उद्देश्य से पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? ब्राज़ील यूएस, फ्रांस और भारत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे परियोजना भूटान को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है? सेराइंग हबिचुआर रेलवे लाइन, अगरतला अखोरा रेलवे परियोजना, कोकराझार गेलेफूर रेलवे लाइन और कलादमन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोकराझार गेलेफूर रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अपना G20 अध्यक्षता के दौरान कौन सी पहल शुरू करी है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल कार्बन कैप्चर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर खेती संगठन, स्वच्छ ऊर्जा निर्यात पहल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट है, भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाली प्रस्तावित रेल और शिपिंग कॉरिडोर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से देश और संस्थाएं शामिल है? भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इसराइल, यूरोपीय संघ, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, ब्राज़ील, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, जॉर्डन, इसराइल, यूरोपीय संघ। ये 60 क्वेश्चन थे, बाकी के नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेंगे। टिल देन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और भी कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पिन करना।